अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नाउ. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली होती क्या है, ताकि हम उसकी आगे जो एप्लीकेशंस देखेंगे कि वो कैसे अराइज होती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, और उसे हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. उसके लिए हमें पहले ये जानना जरूरी होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली होती क्या है और ये कैसे अराइज होती हैं. सो अ थ्री डायमेंशनल रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस सब सराउंडिंग ऑफ अ मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट्स और मटीरियल्स लाइक आयरन आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फोर्स इज नोन टू बी एज अ मैग्नेटिक फील्ड. सो एक थ्री डायमेंशनल रीजन, कैसा? थ्री डायमेंशनल. थ्री डायमेंशनल रीजन हम किसको बोलते हैं? जो तीनों प्लेन में हो, एक्स वाई और जेड. एक ऐसा रीजन लाइक दिस विच इज अराउंड अ मैग्नेट. लेट सपोज आपने एक मैग्नेट प्लेस किया है एट द सेंटर, तो उसके अराउंड जो एक फील्ड अराइज होती है और एक रीजन जो अराइज होता है, जो कि क्या करता है, इन्फ्लुएंस अदर मटीरियल्स लाइक आयरन, मेटल्स, कॉपर एंड अदर एलिमेंट्स दैट आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ओके, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम इज नोन टू बी एज अ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा बेसिकली एक रीजन होता है जो कि अपने नियर बाय सराउंडिंग को अफेक्ट करता है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, यही बेसिकली इट इज द रीजन बिहाइंड द अराइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अब आपके पास, हमारे पास एक मैग्नेट है, लेट सपोज, जो कि हमने एक रीजन में पुट कर दिया है. सो उस मैग्नेट के अराउंड जो सराउंडिंग फील्ड होगी लाइक दिस, इस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो इसके सराउंडिंग में अराइज होंगी. सो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू हैव प्लेस योर मैग्नेट. जिस तरीके से आप अपना मैग्नेट प्लेस करोगे, उसी पर डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग और उसकी क्या शेप है, उस पर डिपेंड करता है कि कैसी और किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी अराइज होंगी. सो अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व सच दैट टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन इट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन. लेट सपोज आपके पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट लाइक दिस, जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है. सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं, ये बेसिकली एक इमेजिनरी पैटर्न होता है. ऐसा नहीं होता कि हमारी फील्ड लाइंस एक्चुअली में इस तरीके से हमें दिखाई देती हैं, बट इट इज एन इमेजिनरी लाइंस विच वी एक्सपीरियंस्ड. जब भी आप कोई बार मैग्नेट लेते हो और उसको किसी आयरन पीस के पास लेके जाते हो, या दो बार मैग्नेट्स को आपस में एक साथ लेकर आते हो, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. ओके, सो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है, ये बेसिकली क्यों है? ये बेसिकली है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज इमेजिनरी फील्ड लाइंस. ये जो इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती हैं, इन्हीं की वजह से देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. लेट सपोज हमारे पास एक बार मैग्नेट है एंड वी हैव अ नेल ओवर हियर. अगर हम इन दोनों को आपस में एक दूसरे के पास लाएंगे, सो दे विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, ये कैसे अराइज हुई? इस नेल का तो कोई फील्ड है ही नहीं, बेसिकली इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट. सो इस ऑब्जेक्ट का अपना कोई फील्ड नहीं है, बट
जब हम एक बार मैग्नेट को या किसी भी टाइप के मैग्नेट को इस आयरन नेल के पास लाएंगे, सो ये आयरन नेल इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। वाई सो? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज फील्ड लाइन्स। ये फील्ड लाइन्स बेसिकली हमें दिखाई नहीं देती, बट दे एक्चुअली एग्जिस्ट। दैट्स वाई वी से इट्स इज एन इमेजिनरी कर्व सच दैट अ टेंजेंट टू दैट कर्व एट एनी पॉइंट इट्स gives the direction of magnetic field lines. A tangent to that curve at any point on it gives the direction of magnetic field. Let's suppose आपके पास एक ऐसा surface है like this, curve surface like this. तो मैं पूछूंगा कि आप मुझे बता सकते हैं कि इस point पर magnetic field lines की direction क्या होगी? पॉइंट ए पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेसिकली क्या होगी? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर आपको कभी भी पूछा जाए, प्लीज टेल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो यू ऑलवेज टेल इट इज टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। वो एक टेंजेंट होगी। टेंजेंट बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन होती है लाइक दिस। So, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सो यू विल से कि सर पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए लाइक दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो वही जिस भी डायरेक्शन में वो स्ट्रेट लाइन जाएगी वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो अगर आपको कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन पूछा ही जाए कि इसका लेट सपोज एक कर्व आपको गिवन है, उस पर पूछा जाए कि आप मैग्नेटिक फील्ड की लाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सो यू विल ऑलवेज टेल इट इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट। उस कर्व के अलोंग एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर देंगे, सो आपको मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो इधर से आपका मतलब ये होना चाहिए कि अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि लेट सपोज कि हमारे पास एक और एलिमेंट है। लेट सपोज अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे पास एक सर्कल है लाइक दिस। सो सर्कल इज बेसिकली कर्व फ्रॉम ऑल द सराउंडिंग्स, ओके, इट इज कर्व इन शेप। अगर मैं इस पोर्शन की बात कर लूं, लेट सपोज अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं आपसे, ये भी एक कर्व है। अगर इसकी पोर्शन की बात करूं तो भी एक कर्व है। इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, सो वी हैव ए बी सी एंड डी, वी हैव फोर कर्व ओवर हियर, ओके। ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। अगर आप मुझसे पूछें कि सर लेट सपोज इस सर्कल में आपने फोर कर्व हमें बताए, सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ए बी सी एंड डी के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सो ए के अलोंग इसका मतलब जो भी आपने बताया टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। बी के अलोंग ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। सी के अलोंग ड्रॉ करेंगे तो ये होगी एंड डी के अलोंग ड्रॉ करेंगे तो ये होगी। सो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल पे इन्फाइनाइट पॉइंट है तो हमारे पास इन्फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी। इसका मतलब ये है। सो इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट। जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे अलोंग दिस कर्व, आप किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है, यू जस्ट हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू दैट कर्व, ओके। सो ए बी सी एंड डी आई हैव टेकन ओनली फोर पॉइंट्स, यहां मैंने ओनली चार पॉइंट लिए हैं, तो चारों पॉइंट की डायरेक्शन विल बी लाइक दिस, ओके। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नथिंग बट एल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये सब आपको क्या बता रही? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन, ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं What is the direction of magnetic field line at the curve A? So, आप बोल बताएंगे कि सर अगर हमारे पास एक कर्व ऐसे तरीके का है और पॉइंट है हमारे यहां है, सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज नथिंग बट अ टेंजेंट पासिंग
to that point A like this. So this is the direction of magnetic field line. So this is how a magnetic field line concept work. Okay. So अभी हमने देखा कि magnetic fields क्या होती हैं हमारी basically. Magnetic field होती हैं basically एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इन आर इन द सराउंडिंग अलोंग अ मैग्नेट. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज बेसिकली नथिंग बट अ टेंजेंट टू द कर्व एट विच यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो दिस इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, so here are the some of the common diagrams of magnetic field lines. Okay, so first of all we have it for a bar magnet. So agar hum bar magnet ki baat kare yahan pe, so bar magnet pe magnetic field lines ki direction will be like this. Okay, agar aap yahan pe dhyan se dekhoge, so inside the bar magnet, agar main bar magnet ki andar ki baat karu, so inside the bar magnet the direction of magnetic field lines is how it is always from north to south like this. But agar main bahar ki baat karu ki bar magnet ke bahar se jo magnetic field lines hamare surroundings mein exist karti hain aur hum aur you can say ki jo magnetic field hum experience karte hain due to this bar magnet, उसकी डायरेक्शन हमेशा होती है नॉर्थ से साउथ. बट इनिशियली अंदर से डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस. बट अगर बाहर की बात करें उसके सराउंडिंग की, सो इट ऑलवेज बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उसको हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है. सेकेंड थिंग इज रिपल्सिव मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. So, जैसे कि हमने बात करी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. सो रिपल्सिव कब होगी, व्हेन बोथ द पोल्स आर लाइक पोल्स. लाइक पोल्स मतलब सेम पोल्स. अगर हम दो नॉर्थ पोल को या दो साउथ पोल को एक साथ हम आपस में आसपास लाएंगे मैग्नेट्स के, सो दे विल हैव द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस काइंड, दे विल एक्सपीरियंस अ force of repulsion. Okay, the magnetic field lines वो होंगी इस तरीके की, they are going to repel from each other और ये दोनों magnets एक दूसरे से दूर हो जाएंगे. They will move like this and like this. Okay, so this is a repulsive example of the magnetic field line. Same we have a attractive magnetic field lines, ki hamare paas attractive magnetic field lines bhi hoti hain jo ki kuch is tarike ki hoti hai shape mein agar hum dekhen. So here is the north pole and here is the south pole. So north or south basically opposite poles hain, so they will attract. So ye jo do bar magnets honge ya jo bhi magnets honge jis bhi shape ki aap lenge, वो आपस में एक दूसरे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, सो अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे, सो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ है, यहां पे भी नॉर्थ टू साउथ है. और जो इनसाइड द बार मैग्नेट होगी वो कैसे होगी, वो होगी साउथ टू नॉर्थ. बट बाहर कैसे हमें दिख रही है, नॉर्थ टू साउथ. सो दिस इज द प्रैक्टिकल यू कैन से ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है. अगर आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी अपने घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें कि आप दो बार मैग्नेट्स को लीजिए एंड ट्राई टू कीप द लाइक पोल्स विद ईच अदर, लाइक पोल्स को एक साथ रखिए, सो यू विल सी कि वो एक दूसरे से रिपेल होंगे. और जब आप अनलाइक पोल्स को एक साथ रखेंगे, सो दे विल गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे. ओके, सो दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. ओके, सो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स. ओके, सो अब हमने ये तो देख लिया हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. बट इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो इनसे एसोसिएट होती हैं, और
आप कह सकते हैं ये प्रॉपर्टीज आर बेसिकली द वे इन विच दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट. ठीक है, सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो ये कहती है दैट इन अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराइज फ्रॉम नॉर्थ पोल इन द सराउंडिंग स्पेस एंड एंटर्स द साउथ पोल. सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं हमारी वो हमेशा इन द सराउंडिंग मतलब एक मैग्नेट के बाहर वो हमेशा अराइज होती हैं नॉर्थ पोल से एंड कहां एंड अप होती हैं साउथ पोल में. सो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है उनका डायरेक्शन इन द सराउंडिंग विल ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर हम यहां पे एग्जांपल की बात करें जो कि हमने देखा था इन केस ऑफ अ बार मैग्नेट, सो आप यहां देख सकते हैं दैट इन द बार मैग्नेट जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी वो कहां से निकलती थी, दे आर कमिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल लाइक दिस. और वो कहां पे एंटर हो रही थी, दे आर गोइंग लाइक दिस इन द साउथ पोल. सो किसी भी मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उसके सराउंडिंग में नॉर्थ टू साउथ होता है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ओके, सिमिलरली हमारे पास यहां पे सेकंड प्रॉपर्टी है दैट सेज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. अब ये कैसी प्रॉपर्टी है या इस पॉइंट से हमारा क्या मतलब है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. इसको हम देखने के लिए एक एग्जाम्पल यही ले लेते हैं. लेट सपोज हमारे पास दो कर्व है लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये इसको बोल लेते हैं कर्व ए और इसको बोल लेते हैं हम कर्व बी. सो जो हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. सो लेट सपोज अगर मैं आप लोगों को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोलूं तो आप कैसे फील्ड फाइंड आउट करोगे? आप तो बोलोगे सर आपने अभी जस्ट बताया हमको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कभी भी फाइंड आउट करने के लिए अलोंग अ कर्व हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है अलोंग दैट कर्व. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो अगर आप पॉइंट ए के अलोंग जो कर्व ए है इसके अलोंग अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो समथिंग ऑफ दिस काइंड होगा. सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी के अलोंग भी एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोलूं आपको सो वो सॉरी कर्व बी के लिए भी एक टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोलूं अलोंग द पॉइंट ए तो वो इस तरीके का होगा. सो यहां पर पॉइंट ए के अलोंग ड्यू टू दिस इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आ गई विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. अब हमारे लिए यहां पे बेसिकली अब हम यहां पे कंफ्यूज हो गए कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट के अलोंग ये होगा कि ये होगा. सो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा एक ही होगा. वी विल नेवर गोइंग टू हैव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दस इससे हमने ये कॉन्क्लूड करा दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो then we have two or more magnetic field lines. अगर ऐसा होता है तो हमारे पास दो या उससे ज्यादा magnetic field lines हो जाएंगी. That's why they never intersect each other. Okay, that's the second property of magnetic field line. अब हम आते हैं third property पे. Third property is saying that the relative strength of the magnetic field lines is shown by the degree of closeness of the field lines. The relative strength of magnetic field. किसी भी magnetic field की रिलेटिव स्ट्रेंथ से मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है वो हमको पता लगती है डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस. अब इसको समझने के लिए लेट सपोज मैं एक बार मैग्नेट यहां
ड्रॉ कर लेता हूँ लाइक दिस, जिसका एक नॉर्थ पोल है और इसका एक साउथ पोल है. सो और मैं दूसरा बार मैग्नेट ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे लाइक दिस, जिसका एक नॉर्थ पोल है और जिसका एक साउथ पोल है. यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. लाइक दिस. लाइक दिस. और इस वाले बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग लाइक दिस एंड लाइक दिस. सो अगर मैं आपसे इन दो डायग्राम को लेकर ये पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप क्या बोलोगे कि इस वाले डायग्राम की, लेट्स नेम देम ए एंड बी. हमारी ए डायग्राम जो हमने ड्रॉ करा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा स्ट्रांग है या फिर बी की ज्यादा स्ट्रांग है? ऑब्वियसली यू विल से ए, कि ए की ज्यादा है. क्यों? बिकॉज उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा है. दैट्स द फर्स्ट रीजन. और दूसरे सेकंड द रीजन इज कि वो ज्यादा पास पास है. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाते हो किसी भी एलिमेंट के अलोंग या किसी भी एलिमेंट के सराउंडिंग में, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ाने से क्या होगा कि उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग है दैट विल डिक्रीज. सो अगर मैग्नेटिक फील्ड के आपस में जो स्पेसिंग है, लेट सपोज दो मैग्नेटिक फील्ड की जो आपस में स्पेसिंग है वो कम होगी, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग बनेगी. और ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उसी की होगी दैट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मच क्लोज. सो ए बार मैग्नेट की इन कंपैरिजन टू बार मैग्नेट बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, बिकॉज उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंपैरेटिवली क्लोज है और ज्यादा है इन कंपैरिजन टू बार मैग्नेट बी. सो यही हमारा पॉइंट थ्री यहां पे हाईलाइट कर रहा है, दैट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस. डिग्री ऑफ क्लोजनेस से मतलब हमारा यही है कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी क्लोज है ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन. जितनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लोज होंगी उतनी ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी. सो मोर इज द मोर क्लोज इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मोर क्लोज इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मोर स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड. जितनी क्लोज होंगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स उतनी क्लोज होंगी, उतनी ही स्ट्रांग होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट्स द थर्ड पॉइंट. ओके, सो अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे और फोर्थ प्रॉपर्टी पे ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कहती है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस और क्लोज्ड कर्व दैट, और यू कैन से दे आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद इन द मटीरियल ऑफ द मैग्नेट. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस और क्लोज्ड कर्व्स हैं, जो कि हमेशा डायरेक्ट होते हैं साउथ टू नॉर्थ विद इन द मटीरियल ऑफ द मैग्नेट. सो जो भी आप मैग्नेट लोगे, जिस भी शेप का होगा, जिस भी मटीरियल का होगा, उसमें हमेशा उसके अंदर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग पार्ट, मैं इस मैग्नेट के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस मैग्नेट के अंदर की बात कर रहा हूं, उस मैग्नेट के अंदर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होगा. बट बाहर कैसा होगा? फ्रॉम पॉइंट ए इट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस. बट अंदर कैसा होगा? साउथ टू नॉर्थ. अगर हम इसी चीज को एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखना चाहें, तो हमने यहां पे जब अभी बार मैग्नेट डिस्कस किया था, सो इन द फॉर्म इन द बार मैग्नेट ओवर हेयर, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि बाहर में, बाहर अगर हम देखें उसके सराउंडिंग में, तो इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. बट अगर हम अंदर की बात करें तो वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है.
सो सिमिलरली यही हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस और क्लोज कर्व, जो कि हमेशा डायरेक्टेड होते हैं साउथ टू नॉर्थ विद इन द मटीरियल ऑफ द मैग्नेट. ओके, सो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. ओके.